एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां दो अंडे भी दिए। उन अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीने बाद फसल का कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वहाँ खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल की कटाई के लिए अपने खेतों में पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चे ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ आज यहाँ से अंतिम दिन है। रात में हम दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की बात कहीं बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख कर बुड़ाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उसकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम को किसान जब खेत आया तो देखा कि वह स्थिति देखकर बुड़ाने लगा कि ये लोग कहते हैं बाद में कटाई के लिए नहीं आते, कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चे ने किसान की ये बातें सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने बताया तो वह बोले, बच्चों सब अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात को ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे, इस बार ऐसा हुआ क्या है जो माँ खेत छोड़ने के लिए तैयार है, उन्होंने पूछा। तो चिड़िया बोली, बच्चों पिछले दो बार किसान ने एक दूसरे पर निर्भर करता था। वो कहकर अपने काम से लग गई, पल्ला पछाड़ लिया और दोनों बार ऐसा ही है। उन्होंने यह बात जिम्मेदारी और कंधों पर ली, इसलिए आवश्यक है। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। सीख, दूसरे की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए तो उस काम का रिश्तेदार स्वयं नहीं होगी। दूसरे से मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है।